यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। इससे पूर्व सिरसा में गुरुवार को हरियाणा कांग्रेस की ओर से कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजन की गई और बैठक की अध्यक्षता हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने की। इस मौके पर उन्होंने सीएम के विदेश दौरे पर भी तंज कसते हुए कहा कि विदेश से बैंगन लेकर आएंगे, खुद भी खाएंगे और सबको खिलाएंगे। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार के खिलाफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। पहले चरण में अशोक तंवर ने इस यात्रा की शुरुआत कालका से की थी और अब दूसरे चरण की यात्रा शुरू की जानी है जो कि 31 मई से लेकर 5 जून तक चलेगी। यात्रा हमने कालका से लेकर के पिवा पहला चरण किया था, उसके दूसरे चरण की शुरुआत के लिए आप सब जानते हैं आज हर जगह हर वर्ग परेशान है। ये सरकार बड़े तानाशाही रवैये के साथ चल रही है, आज संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है। साइकिल यात्रा चौटाला गांव से शुरू होकर के सिरसा शहर के अंदर उसका समापन होगा, वही हम तारीखों के ऊपर अभी बात कर रहे हैं। सारा कुछ साथियों का सुझाव है कि इसको हम बेहतरीन तरीके से करें। बैंगन लेके आएंगे सबके लिए, खुद भी बैंगन खाएंगे, सबको बैंगन खिलाएंगे, बैंगन देंगे सबको। तो बैंगन तो हजारों साल से हम लोग खाते आ रहे हैं, तो विदेश में गए किस लिए, क्या बैंगन लेने गए?